इट वॉज दी अर्लीस्ट थ्योरी विच वॉज अवेलेबल, सबसे पुरानी थ्योरी है हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। नोट करो फटाफट। रिपीट करना है इस पहले कुछ भी अब। नेक्स्ट ऑफ द थ्योरी, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ स्ट्रेस। हर चीज नाम में बताई हुई है। अब आप बोलो रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है, जो बचा हुआ है, तो जो स्ट्रेस बच गया वो रेसिडुअल स्ट्रेस। जो मोमेंट फिक्स्ड एंड पे हो उसे फिक्स्ड एंड मोमेंट बोलते हैं। मतलब सबसे आसान टॉपिक है ये स्ट्रक्चर वाले। फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, वो मोमेंट जो फिक्स्ड एंड पे डेवलप हो। तो मेरे हिसाब से इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया मोमेंट का मतलब आपको पता है और फिक्स्ड एंड का मतलब आपको पता है। ये होते हैं फिक्स्ड एंड, दीज आर फिक्स्ड एंड। अब इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, तो फिक्स्ड एंड पे जो मोमेंट डेवलप हुआ उसको फिक्स्ड एंड मोमेंट बोल देते हैं। तो लोड लगाया, इस लोड की वजह से जो मोमेंट डेवलप हो गया वो फिक्स्ड एंड मोमेंट। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसके अंदर। नोटेड। अब इसके बाद दूसरी थ्योरी आई, ये तो फिर भी चली थी कम से कम 25-30 सालों के लिए। वीक हूं, अंग्रेजी में वीक हो, मतलब मैं भी समझना चाहता हूं किस में वीक हो, किस चीज में वीक हो, अंग्रेजी में। तो मेरे हिसाब से फिक्स एंड का मतलब पता होगा, स्टील डिजाइन में वीक हो। तो वो तो अभी खत्म भी नहीं हुआ, अभी तो चालू भी नहीं हुआ, अभी तो वही तो बताया, अभी तो एक पेज भी नहीं खत्म किया मैंने, अभी तो एक पेज भी खत्म नहीं किया। स्टील का तो कुछ चालू ही नहीं हुआ, तो सर वीक हूं। तो मैंने तो बोला फिक्स एंड मोमेंट, तो भैया जो फिक्स एंड है उसे फिक्स एंड बोलते हैं। भैया फिक्स एंड पे जो मोमेंट डेवलप हुआ उसको फिक्स एंड मोमेंट बोल देते हैं। अब इसमें किसमें वीक और स्ट्रांग हो, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग कैसे डाली थी, नंबरिंग डाली थी ए बी, कैपिटल ए बी। सो कैपिटल ए बी। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमेट लोड थ्योरी। फिर से नाम से पूरी थ्योरी खत्म कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो अल्टीमेट लोड थ्योरी, एज ही नेम सजेस्ट, जैसा नाम बोल रहा है, इसको प्लास्टिक मेथड भी बोलते हैं। सो प्लास्टिक मेथड, अल्टीमेट लोड थ्योरी या प्लास्टिक मेथड, जैसा नाम में लिखा हुआ है, अल्टीमेट लोड थ्योरी। अब ये थ्योरी कौन से लोड के ऊपर बेस्ड है, ये थ्योरी बेस्ड है अल्टीमेट लोड के ऊपर। ये वाली थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, ये वाली थ्योरी बेस्ड थी हमारे कौन से लोड के ऊपर, वर्किंग लोड के ऊपर ही। सो इट वॉज बेस्ड अपॉन दी वर्किंग लोड, दैट इज बेस्ड अपॉन अल्टीमेट लोड। वो बेस्ड है हमारे अल्टीमेट लोड के ऊपर, ये बेस्ड है हमारे वर्किंग लोड के ऊपर। तो एक डिफरेंस तो यही निकल के आ गया। अब अल्टीमेट लोड कब मिलेगा आपको, अल्टीमेट लोड तब मिलेगा जब आप प्लास्टिक स्ट्रेस को भी ओवरकम कर जाओगे, व्हेन यू बी ओवरकमिंग दी प्लास्टिक स्ट्रेस आल्सो। इस बात को समझने के लिए अगर बेसिक, फिर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखी होगी आपने माइल्ड स्टील की, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी अगर हम एनालिसिस करें, लेट अस सपोज ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है, तो अगर बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की भी एनालिसिस करें, कुछ इस तरीके से निकल के आती है हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। जो पीछे वाली थ्योरी है हमारी बेस थी किसके ऊपर, दिस वॉज अवर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ए पॉइंट। दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है भाई। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट, ये निकल के आता है इलास्टिक लिमिट। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है अगर आपने मटेरियल को यहां पे आके अनलोड कर दिया, दोबारा अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री रीगेन कर लेगा, पर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है सिर्फ ए पॉइंट तक। यानी ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है सिर्फ ए पॉइंट तक, इसके बाद ये कर्व्ड हो जाती है। आफ्टर दिस दिस कर्व बिकम्स कर्व्ड।
फिर आपका आता है अपर यील्ड पॉइंट, फिर नीचे आता है लोअर यील्ड पॉइंट, ये हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है। तो पिछली वाली जो थ्योरी है, पिछली वाली जो थ्योरी है वो स्ट्रेस कंसिडर करती है, कौन सा वाला? वो स्ट्रेस कंसिडर करती है करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी, और डी और ए पॉइंट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं, तो डी एंड ए पॉइंट आर ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। फिर से मैं मान के चल रहा हूं इतनी बेसिक जानकारी है हमारे पास, ये हमारा यील्ड स्ट्रेस है एफ वाई। तो पिछली थ्योरी इस वाले स्ट्रेस को उठाती है, इट वर्क्स ऑन दिस स्ट्रेस। अब मैंने बोला अल्टीमेट लोड थ्योरी, या आप बोल सकते हो प्लास्टिक मेथड, ये हमारा क्या खत्म हुआ, ये हमारा क्या खत्म हुआ, बी पॉइंट पे आके इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई। इसके बाद कौन सी लिमिट चल रही है आगे तक? तो ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये जी पॉइंट है, इसके बाद हमारी चल रही है प्लास्टिक लिमिट। सो आफ्टर दिस अप टिल जी पॉइंट प्लास्टिक लिमिट इज रनिंग। तो ये इलास्टिक लिमिट थी बी पॉइंट तक की, और जी पॉइंट तक मेरी प्लास्टिक लिमिट चल रही है। अब क्योंकि अल्टीमेट लोड थ्योरी अल्टीमेट लोड के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब इस बार आपने कौन सी स्ट्रेंथ यूज कर ली मटेरियल की? इस बार आपने भैया प्लास्टिक स्ट्रेंथ भी यूज कर ली, यानी रिजर्व स्ट्रेंथ को भी यूज कर लिया आपने। अगर आपने रिजर्व स्ट्रेंथ को भी यूज कर लिया, इस बार मेंबर क्या निकल के आएंगे? छोटे निकल के आएंगे। आप एडिशनल स्ट्रेंथ भी यूज कर रहे हो उसके अंदर। तो ये हमारी इलास्टिक स्टेज है, ये हमारी प्लास्टिक स्टेज है, दिस इज अवर प्लास्टिक स्टेज। फिर से बेसिक बना के दिखा दिया मैंने। तो अब जो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, वो कौन से लोड पे काम करता है? इस जी वाले लोड के पार काम करता है। कहने का मतलब है आपने मेंबर को लोड किया तब तक जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते, जी वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। इसको मैं टेक्निकली क्या बोल दूंगा, ये फ्रैक्चर पॉइंट है हमारा। सो बिल्कुल फ्रैक्चर पॉइंट है। सो जी पॉइंट इज टर्म्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। एफ पॉइंट क्या कहलाता है? एफ पॉइंट क्या कहलाता है हमारा? अल्टीमेट पॉइंट। तो ये हमारा अल्टीमेट पॉइंट है। सो दिस इज टर्म्ड एज अल्टीमेट पॉइंट। तो फिर से थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, बाकी एप्लीकेशन कहीं भी चाहिए होगी वहां पे डायरेक्टली बता दूंगा इसमें। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? अल्टीमेट लोड थ्योरी। अल्टीमेट लोड थ्योरी काम करता है अल्टीमेट लोड के ऊपर। इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, इस थ्योरी में आपका मेंबर सेफ कब होगा? इस थ्योरी में आपका मेंबर सेफ तब तक होगा जब तक जो आपकी लोड है वो हमेशा किससे कम रहे, जब तक जो आपकी लोड है वो हमेशा किससे कम रहे, अल्टीमेट लोड से कम रहे। जो भी अप्लाइड लोड है वो अल्टीमेट लोड से क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। बेटा वो स्ट्रेस है, वो लोड नहीं है। अब फिर बोलोगे समझ में नहीं आता, लिखा तो है स्ट्रेस है, मैं अभी लोड की बात कर रहा हूं। तो आप मेंबर को तब तक लोड कर सकते हो जब तक उसकी वैल्यू किससे छोटी नहीं आ जाए, अल्टीमेट लोड से छोटी नहीं आ जाए। पीछे हमने कौन सा लोड कंसिडर किया? वर्किंग लोड कंसिडर किया। इस बार मैं क्या करूंगा? इस बार लेट अस सपोज मेंबर के ऊपर लोड लग रहा है 100 न्यूटन। पिछली बार आपने 100 न्यूटन ही कंसिडर किया लोड को, लोड को डिवाइड कर दिया एरिया से, ये वर्किंग लोड था, डिवाइड कर दिया एरिया से, कौन सी स्ट्रेस मिली, कौन सी स्ट्रेस मिली? वर्किंग स्ट्रेस मिली। और वर्किंग स्ट्रेस को आपने किससे छोटा रखा? वर्किंग स्ट्रेस को आपने किससे छोटा रखा? परमिसिबल स्ट्रेस से छोटा रखा। और परमिसिबल स्ट्रेस क्या थी हमारी? यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये पिछली वाली थ्योरी लिखी हुई है। अब ये वाली थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी आपका लोड लगा आपके मेंबर के ऊपर, जो भी आपका लोड लगा मेंबर के ऊपर, वो अल्टीमेट लोड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो लोड कितना लग रहा था मेरा? 100 न्यूटन का लोड लग रहा था। इस बार 100 न्यूटन लोड के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई और इसको मैंने छोटा रखा किससे, इसको मैंने छोटा रखा किससे, अल्टीमेट लोड से। तो दिस इज केप्ट लेस देन अल्टीमेट लोड। और ये अल्टीमेट लोड कैसे निकालूंगा? अल्टीमेट लोड विल बी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू एरिया। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? साइज निकालना। तो एक साइज आपने यहां से भी निकाली, एक साइज आपने यहां से भी निकाली, पर दोनों में जो फिलोसफी है वो अलग अलग है। तो अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर लगाते हो? अल्टीमेट लोड मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर लगाई जाती है? लोड के ऊपर लगाई जाती है। क्यों? आप स्ट्रेस के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ पे स्ट्रेस के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं लगा रहा? जरूरत ही नहीं लगाने की। क्यों नहीं है जरूरत लगाने की भैया? कौन सी लोडिंग कंसिडर कर रखी है आपने? अल्टीमेट लोड कंसिडर कर रखा है, यू हैव कंसिडर्ड द अल्टीमेट लोड। तो आ गया फर्क दोनों मेथड के अंदर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है?
अगर मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लग रहा है 100 न्यूटन का, मैं मान के चल रहा हूं लोड लग रहा है 200 न्यूटन का, लग रहा है 100 न्यूटन का लोड, मैं मान के चल रहा हूं 200 न्यूटन का लोड लग रहा है, मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ली 2। इस बात का मतलब यह है कि जितना लोड एक्चुअल में लग रहा है, अगर उससे दुगना लोड भी लगने लग जाए तब भी मेरा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो जितना लोड लग रहा है एक्चुअल में, अगर उससे दुगना भी लगने लग जाए, तो ये दुगना क्या था, मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी था। दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट आई हैव कंसीडर्ड। तो इस कर्व की जरूरत तो है नहीं, बट स्टिल समझाने के लिए इसको मैंने बना के दिखा दिया। तो खत्म हो गई हमारी इलास्टिक थ्योरी और प्लास्टिक थ्योरी, दोनों थ्योरी खत्म हो गई है। अब जो लिमिट स्टेट मेथड आता है वो इन दोनों थ्योरी को क्लब कर देता है, इट क्लब्स बोथ दी थ्योरी। कहने का मतलब है लिमिट स्टेट मेथड के अंदर वी अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर द लोड ऑल्सो, वी अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर द स्ट्रेस ऑल्सो, यानी दोनों के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई की जाती है, वी अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन बोथ। इसका मतलब इन दोनों से अच्छी थ्योरी निकल के आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पिछली वाली थ्योरी में आप क्योंकि लोड के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगा रहे थे, इशू था। इस वाली थ्योरी में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर नहीं लगा रहे हो, स्ट्रेस के ऊपर नहीं लगा रहे हो। अब आपने स्ट्रेस के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाई, इस बात का मतलब ये थोड़ी है कि जितना स्ट्रेस आपने माना उतना ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, उससे कम स्ट्रेस भी तो हो सकता है। आपने बोला कि जो स्टील है उसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेस है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपने निकाला कैसे अल्टीमेट स्ट्रेस, टेस्ट परफॉर्म करके, वे परफॉर्म द टेस्ट। अब कौन सा टेस्ट है बताया जाएगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जब एक कर बनाई जाएगी टेस्ट बताएंगे वो आपको कि कैसे ये अल्टीमेट स्ट्रेस निकाला जाता है। तो आपने टेस्ट परफॉर्म किया और बोला अल्टीमेट स्ट्रेस है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक्चुअल में था 80, इन एक्चुअल इट वाज 80। आपने इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई नहीं थी, क्या हुआ, स्ट्रक्चर फेल हो गया आपका। तो इसमें भी ड्रॉबैक है, हेयर ऑल्सो देयर इज एन इशू। कहने का मतलब है जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं मेंबर के ऊपर तो उसमें भी तो गलती हो सकती है। अब क्योंकि उसमें गलती हो सकती है तो उसके ऊपर भी क्या लगाना चाहिए था मुझे, उसके ऊपर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगानी चाहिए थी। अब रट मत लेना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई होता है। सर पीछे आपने बोला कि 100 न्यूटन का लोड लग रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी 2, इसका मतलब अगर 200 न्यूटन का भी लोड लगा तब भी मेरा स्ट्रक्चर सेफ होगा। अब रट लिया इस बात को, अब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेस की। अगर मेरी अल्टीमेट स्ट्रेस है 100 और अगर मैं इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाऊं 2 का अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, मैं अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मान के चलूंगा, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर मान के चलूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि इसमें जो अल्टीमेट स्ट्रेस है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर की है। तो रट मत लेना सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सर यहाँ पर आपने डिवाइड क्यों कर दिया। तो वो समझना पड़ता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, वेयर यू आर अप्लाइंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आ गया दूसरा, स्ट्रेस में डिवाइड, लोड में मल्टीप्लाई। और अगर मुझे वाटर डिमांड निकाल ली हो उसमें, वहां पे तो ना स्ट्रेस है वहां पे ना लोड है, फिर क्या करोगे, डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आता, वीक है इसके अंदर हम। अगर मुझे वाटर डिमांड निकाल ली हूं, वहां पर तो ना स्ट्रेस है वहां पर तो ना लोड है, फिर अब रटो उसको भी बैठ के, उसको भी बैठ के रटेंगे। फिर ऐसे करते करते हम 50-60 चीज आएंगी, सबको बैठ के रटते रहेंगे, फिर दूसरे दिन भूल जाएंगे, सर फिर हार्ड हो गया, सर बहुत हार्ड है सब्जेक्ट, पता नहीं चलता, कभी मल्टीप्लाई हो जाता है कभी डिवाइड हो जाता है। तो उसके लिए समझना पड़ता है कि किस चीज की डिस्कशन चल रही है। तो वो लॉजिक ही तो बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी क्या डिस्कस कर रहा था, लॉजिक ही तो बता रहा था कि भैया ये मत समझ लेना कि मैंने पहले केस में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कंक्लूजन 2 हो गया। इसलिए क्या बोला था, रुको, जिस चीज को बनने में इतने साल लग गए समझना है, 2 मिनट में थोड़ी आ जाएगा, 2 मिनट में कंक्लूजन नहीं आता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई होता है, उसके लिए पूरा सब्जेक्ट निकालना पड़ता है, धीरे धीरे फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसकी। सो अल्टीमेट लोड थ्योरी डाल दो सारे पॉइंट्स इसके अंदर। अल्टीमेट लोड थ्योरी के अंदर हमने क्या किया, पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट इन दिस मेथड व्हाट वी डू, सो इन दिस मेथड द डिजाइनिंग इज डन, डिजाइनिंग इज बेस्ड ऑन, इस मेथड में डिजाइनिंग बेस्ड है किसके ऊपर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर। So it is based on the ultimate strength. FU use kiya tha piche example ke andar maine. Next point of reference. Next point says this method of design
दिस मेथड ऑफ डिजाइन इज बेस्ड ऑन, दिस मेथड ऑफ डिजाइन इज बेस्ड ऑन फेलियर कंडीशन रादर देन वर्किंग कंडीशन। ये जो मेथड ऑफ डिजाइन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? फेलियर कंडीशन के ऊपर। क्या बोला था हमने कि अगर 100 न्यूटन की जगह 200 न्यूटन का भी लोड लग जाए आपका मेंबर क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। पर पीछे आपने कौन सा लोड कंसिडर किया था? 100 न्यूटन का लोड कंसिडर किया था, वो वर्किंग लोड था। यहाँ पे कौन सा लोड उठाऊंगा मैं? यहाँ पे वो लोड कंसिडर करूंगा जिसपे मेरा मेंबर क्या कर जाए? फेल कर जाए। तो ये मेथड ऑफ डिजाइन बेस्ड है किसके ऊपर? फेलियर कंडीशन के ऊपर रेदर देन वर्किंग कंडीशन के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे फेलियर का मतलब क्या है? हियर फेलियर मीन्स व्हाट? यहाँ पे फेलियर का मतलब लार्ज डिफॉर्मेशन। तो ये फेलियर का मतलब क्या होता है? लार्ज डिफॉर्मेशन। फेलियर का मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर आपको गिरते हुए देखेगा नीचे। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे फेल हो गया, इस बात का मतलब ये है कि उसमें डिफॉर्मेशन का एक्सटेंट बहुत ज्यादा निकल के आ गया। तो फेलियर इंप्लाइज व्हाट? तो यहाँ फेलियर का मतलब क्या है? या कोलैप्स या लार्ज डिफॉर्मेशन। उसको अलग से हाईलाइट करके दे दिया, लार्ज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन अलग अलग तरह की हो सकती है, डिफॉर्मेशन में भी ऑफ डिफरेंट वेज, लार्ज डिफॉर्मेशन। तो जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर आपको कोलैप्स होते हुए दिखे, उसमें डिफॉर्मेशन भी आ गई तब भी हम क्या मान लेंगे? हम ये मान लेंगे कि स्ट्रक्चर फेल कर गया। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है, ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट, इसमें डिजाइन फिलोसफी लिखे अब। सो वील से इन दिस मेथड सो इन दिस मेथड मेंबर्स आर डिजाइंड सच दैट, क्या कंडीशन है? मेंबर्स आर डिजाइन सच दैट। तो मेंबर की डिजाइनिंग करोगे इस तरीके से कि हमारा जो लोड है वो हमेशा किससे कम रहे? अल्टीमेट लोड या कोलैप्स लोड से कम रहे। सो सच दैट डिजाइन लोड नेवर एक्सीड्स अल्टीमेट लोड, डिजाइन लोड नेवर एक्सीड्स अल्टीमेट लोड। तो बिल्कुल एनालॉजी बना के दे रहा हूँ, जैसे पॉइंट पीछे लिखे हैं एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को आप क्या कर पाओ, यहाँ से एक पॉइंट उठाना और नेक्स्ट वाली थ्योरी का एक पॉइंट उठाना, दोनों मैच करते हुए दिख जाएंगे। तो यार मेंबर्स आर डिजाइन सच दैट परमिसेबल स्ट्रेस से हमेशा स्ट्रेस कम होने चाहिए। तो परमिसेबल स्ट्रेस आर नेवर एक्सीडेड। यहाँ पे मेंबर्स आर डिजाइन सच दैट अल्टीमेट लोड इज नेवर एक्सीडेड। तो जो डिजाइन लोड है वो कभी भी अल्टीमेट लोड को एक्सीड नहीं करे। अब डिजाइन लोड कैसे निकालोगे आप? तो पहले हमने लिखा डिजाइन लोड ये हमेशा कम होना चाहिए किससे? डिजाइन लोड शुड ऑलवेज बी लेस देन अल्टीमेट और यू कैन से कोलैप्स लोड। पीछे हमने परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू लिखी थी, यहां पे डिजाइन लोड की वैल्यू लिख सकते हो। डिजाइन लोड कैसे लिखोगे? डिजाइन लोड लिखोगे वर्किंग लोड। सो वील से दैट इज वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एग्जाम्पल लेके बता दिया था पीछे आपको। सो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी लेस देन व्हाट? अल्टीमेट लोड और कोलैप्स लोड। ये इसकी प्रिंसिपल निकल के आ गए, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी, लोड और कोलैप्स लोड। तो यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर लगाई आपने? लोड के ऊपर लगाई। पीछे फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर लगाई? स्ट्रेंथ के ऊपर लगाई या स्ट्रेस के ऊपर लगाई, कुछ भी बोल सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि इसमें रिजर्व स्ट्रेंथ यूज करी है आपने, तो उसमें साइज क्या निकल के आ जाएगा? छोटा निकल के आ जाएगा। सो वील से सिंस इन दिस मेथड रिजर्व स्ट्रेंथ इज यूज्ड, रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड, रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल इज यूज्ड, इसमें साइज क्या निकल के आ जाएगी? सो रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल इज यूज्ड, इट रिजल्ट्स इन व्हाट?
इट रिजल्ट्स इन स्मॉलर सेक्शन, तो ये इसका एडवांटेज है, इट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। Done. चलो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या? अच्छा इसकी ड्रॉबैक तो बता ही नहीं है, ये तो एडवांटेज बताया ना। अच्छा एडवांटेज बताया, अगर ड्रॉबैक की बात करें, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर नहीं लगाई? इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लगाई स्ट्रेस के ऊपर। अगर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेस के ऊपर नहीं लगाई, इसका मतलब अब आपने इसमें सिर्फ कोलैप्स कंसिडर किया है, सर्विसबिलिटी कंसिडर नहीं करी। अब आप बोलोगे सर्विसबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिर से नाम में लिखा हुआ है, फिर से कोई नई चीज नहीं, हर चीज नाम में मेंशन्ड होती है। मेरे ख्याल से डेली ऑब्जर्व करते होगे इस चीज को, जब खाना खाने जाते हो सर्विस टैक्स लगता है। अब काय की सर्विस भैया, खाना खिला रहा है आपको, वेटर आ रहा है, बैठने के लिए जगह मिल रही है, पंखा चल रहा है, वो सर्विस दी उसने आपको, तो उसके लिए टैक्स दिया, वो सर्विस है। कहने का मतलब है पैसे आप खाने के तो दे ही रहे हो, साथ में उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगा हुआ है, वो सर्विस जो प्रोवाइड करी उसके लिए। अगर आपने खाना खाने के लिए गए, उसने खाना आपको प्रोवाइड नहीं किया, या जो खाने का टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया, आप उसको बिल पे नहीं करोगे, यू विल नॉट पे द बिल, पर उसने सर्विस प्रोवाइड करी है आपको, ही हैज प्रोवाइडेड द सर्विस। दूसरी कंडीशन, खाना आपको दिया है पर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, खाना अच्छा है पर वेटर आपसे रूडली बात कर रहा है, खाना अच्छा है पर गर्मी है वहां पे, खाना अच्छा है पर जेंट्री अच्छी नहीं है वहां पे, खाना अच्छा है बाहर की एम्बियंस अच्छी नहीं है, आप तब भी खाना खाने नहीं जाओगे। तो सेम चीज है, जब मैं स्ट्रक्चर को डिजाइन करूंगा मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि वो कोलैप्स नहीं करे, यानी फेलियर नहीं हो, पर साथ में वो सर्विसेबल भी हो। सर्विसेबल भी हो मतलब जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वो काम हमारा स्ट्रक्चर करे। जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने गोडाउन बनाया सीमेंट को स्टोर करने के लिए, ये हमारा गोडाउन है सीमेंट को स्टोर करने के लिए, बीम बना के दिखाई है मैंने आपको, कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रही है, आपको यहाँ पे सीमेंट को स्टोर करना था, आपने अल्टीमेट लोड मेथड लगाया, डिजाइनिंग करके दे दिए, बीम फेल नहीं कर रही, पर यह सिचुएशन है। देखो जाओगे नहीं गोडाउन के अंदर, जहां पे आपको सीमेंट रखना है वहां पे जाओगे नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ बनाने का? क्यों आपको हमेशा डर लगता रहेगा कभी भी गिर जाएगी? गिर नहीं रही है, पिछले 20 साल से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, तो कोलैप्स नहीं करी है, यानी आपके हिसाब से तो फेल नहीं करी। सर फेलियर का मतलब तो क्या बताया था आपने? फेलियर का मतलब था कोलैप्स एंड लार्ज डिफॉर्मेशन, यही था। तो सर ये फेल तो हुई नहीं है, पर आप यूज भी तो नहीं कर पा रहे उसे, यू आर नॉट एबल टू यूज इट, तो ये सर्विसेबल है ही नहीं, इट इज नॉट सर्विसेबल। तो अल्टीमेट लोड मेथड में ये सर्विसबिलिटी चेक नहीं की जाती है। दूसरा, आपने जो बीम डिजाइन करी है उस बीम के अंदर आपको क्रैक्स दिख रहे हैं खूब सारे, फिर से आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया ये तो कभी भी गिर जाएगी? गिर नहीं रही है, कोलैप्स नहीं करी है, पर ये सर्विसेबल नहीं है, इट इज नॉट सर्विसेबल। क्रैक्स नहीं आए हैं, आप सीमेंट रखने जा रहे हो अंदर, कॉलम वाइब्रेट करने लग जाता है, फिर से भाग आओगे बाहर, नहीं भैया मैं जाऊंगा ही नहीं अंदर। तो कहने का मतलब क्या है? इट इज नॉट सर्विसेबल, ये सर्विसेबल नहीं है, कोलैप्स नहीं कर रहा, सर्विसेबल नहीं है। स्टील का कॉलम है, इसके ऊपर जंग लग गई है, फिर से कोलैप्स नहीं कर रहा, अगेन इट इज नॉट कोलैप्सिंग। जंग लगी हुई देखोगे फिर से भागा हुआ, यार कभी भी गिर सकता है ये, तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज रहेगी कि यार ये तो बहुत पुराना हो गया, कभी भी गिर सकता है, सो इट इज नॉट सर्विसेबल। दूसरा एग्जाम्पल, लेट सपोज ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, आपने रैंप बनाया अपने घर में गाड़ी लगाने के लिए, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ रैंप फॉर प्लेसिंग द व्हीकल इन योर, लेट अस सपोज इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ये रैंप बना हुआ है, रैंप बना के दिया बढ़िया सा आपने, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये फेल नहीं कर रहा, ये चार गाड़ियों का लोड उठा सकता है, इट इज नॉट फेलिंग। आपको तो एक ही गाड़ी ऊपर चढ़ानी है, चार गाड़ियों का लोड उठा सकता है, लो गाड़ी चढ़ा के दिखाओ उसके ऊपर। तो क्या कर लिया भाई ये रैंप बना के? सर्विसेबल ही नहीं है। तो
गाड़ी चढ़ाओगे कैसे इसके ऊपर? तो फेल नहीं कर रहा, कोलैप्स नहीं कर रहा, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन भी नहीं है, पर ये सर्विसेबल ही नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज, गाड़ी चढ़ेगी नहीं ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर मेरा सेफ भी होना चाहिए, सर्विसेबल भी होना चाहिए। दूसरा, बेसमेंट बनवाया आपने, ये आप लोगों से ही, अभी जाओगे जेई बन के जाओगे, जेई बन के जाओगे, बेसमेंट बनाया, ये बेसमेंट बना के दिया है, बेसमेंट बना के दिया सीमेंट स्टोर करने के लिए। बोलोगे सर मैंने सारी चीजों का ध्यान रखा, सारी चीजों का ध्यान रखा, सारे कोडल प्रोविजंस फॉलो किए, देखो मेरा स्ट्रक्चर बहुत सेफ है। अरे भाई स्ट्रक्चर बहुत सेफ है, अच्छी बात है, करूंगा क्या मैं सीमेंट कैसे स्टोर करूंगा? स्लोप तो अंदर की तरफ दे दी, जैसे ही बारिश होती है पानी अंदर आ जाता है, पानी जमा हो जाता है, सर्विसेबल ही नहीं है ये, रहूंगा कैसे मैं इसके अंदर? सो इट इज नॉट सर्विसेबल। तो इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। तो अल्टीमेट लोड मेथड आपका स्ट्रक्चर तो सेफ बना देगा, पर जरूरी नहीं है वो हमेशा क्या रहे, सर्विसेबल रहे। खूब सारे एग्जाम्पल दिए सर्विसेबिलिटी के आपको। तो मेरे को दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और लिमिट स्टेट मेथड इन दोनों चीजों का ध्यान रखती है, वो आपको स्ट्रक्चर को सेफ भी बना के देती है और सर्विसेबल भी बना के देती है। तो क्योंकि इसमें हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेस के ऊपर नहीं लगाई, तो यहाँ पे सर्विसेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा जाता, और सर्विसेबिलिटी भी होनी चाहिए हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज इट डज नॉट कंसिडर, इट डज नॉट कंसिडर सर्विसिबिलिटी कंडीशन, सर्विसिबिलिटी कंडीशन वाइल डिजाइनिंग। ये सर्विसिबिलिटी को कंसिडर नहीं करता डिजाइनिंग के टाइम पे। सर्विसिबिलिटी के खूब सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको, सर्विसिबिलिटी बोले तो डिफ्लेक्शन, सर्विसिबिलिटी बोले तो वाइब्रेशन, सर्विसिबिलिटी बोले तो करोजन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सर्विसिबिलिटी के। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रैकिंग, भी लिख सकते हो, सो यू कैन राइट क्रैकिंग ऑल्सो। तो ये इसका ड्रॉबैक निकल के आया है, इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस। नेक्स्ट ड्रॉबैक, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया किसके ऊपर? वर्किंग लोड के ऊपर। आपने सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी सारे वर्किंग लोड के ऊपर अप्लाई कर दिए। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग लोड के ऊपर सेम अप्लाई करिए, इस बात को ऐसे समझते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है, लेट सपोज ये है हमारी स्लैब, स्लैब का डेड लोड है 50 न्यूटन, आर्बिट्री वैल्यू ले रहा हूं, इसके ऊपर मुझे व्हीकल चलाना है, मैक्सिमम लोड जो व्हीकल का इसके ऊपर चला आज तक वो है 10 न्यूटन का। अब जरा खुद तसल्ली से सोच के बताओ, फ्यूचर में आपकी जो स्लैब है इसका डेड लोड बढ़ सकता है? फ्यूचर में क्या जो आपकी स्लैब है इसका डेड लोड बढ़ना तो दूर की बात है, कम हो सकता है वेयर एंड टेयर की वजह से, बढ़ना तो दूर की बात है, कम हो सकता है वेयर एंड टेयर की वजह से, या हो सकता है कोई और आपने बगल में कंस्ट्रक्शन कर दी। लेट सपोज आपने कर्व बना दिया, कर्व भी समझते होगे, आपने इसके ऊपर कर्व बना दिया, मीडियन बना दी, लेट सपोज मीडियन बना दी, कर्व बना दिया, उससे लोड बढ़ जाता है, ठीक है बढ़ेगा, मैं इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दूंगा। बात करते हैं व्हीकल की, आज के टाइम पे जो सबसे भारी व्हीकल है, फ्यूचर में भी क्या सबसे भारी व्हीकल उतना ही रहेगा? नहीं। देखा होगा आपने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 20-25 सालों में कि आपने व्हीकल्स की इवोल्यूशन होते हुए देखी होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब है इस लोड के एक्सीड होने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। इस लोड के एक्सीड होने के चांसेस क्या है? बहुत कम है। आपने दोनों के ऊपर सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी 2, तो दोनों के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगेगी, पर दोनों के ऊपर सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगेगी। तो ये मेथड क्या करता है? सारे लोड के ऊपर सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देता है। तो ड्रॉबैक है इस मेथड का, इट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। अब समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था, लोड तो खूब तरह के होते हैं हमारे पास, करेंगे आगे एक एक करके। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज इट कंसीडर्स ऑल द लोड्स टू बी एक्टिंग, ऑल द लोड्स टू बी एक्टिंग साइमल्टेनियसली
ऑल द लोड्स टू बी एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक्टिंग साइमल्टेनियसली विद सेम लोड फैक्टर. लोड फैक्टर का मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो ये सारे लोड को सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अप्लाई करा देता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. यानी सबकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए. फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी डिफरेंट. उसी तरीके से ऑन द सेम लाइंस आप ये भी बोल सकते हो कि जो स्ट्रेंथ के ऊपर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई वो भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए. तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसमें हर तरह के स्ट्रेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लगा दी थी? सेम लगा दी थी. यहाँ पे हर तरह के लोड के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम लगाई हुई है. अब जो भी आपको ड्रॉबैक बताए हैं उन सारे ड्रॉबैक को कौन एलिमिनेट करता है? हमारा अगला वाला मेथड है लिमिट स्टेट मेथड. तो ये सारे ड्रॉबैक वहां एलिमिनेट हो जाएंगे. इसका मतलब हर स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हर लोड के लिए आपको अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी. वहां पे मैं सर्विसिबिलिटी के लिए भी डिजाइन करूंगा, वहां पे मैं कोलैप्स के लिए भी डिजाइन करूंगा. तो ये सारे ड्रॉबैक आज के टाइम पे एलिमिनेटेड है. ऑल दीज ड्रॉबैक्स आर एलिमिनेटेड. क्लियर है? चलो सफिशिएंट है आज के लिए. नेक्स्ट क्लास आपकी परसों है, बट मैं कल भी ले लूंगा क्लास. क्लास में आपकी रेगुलर कर लूंगा. रेगुलर आई विल मेक ऑल योर क्लासेस रेगुलर, और देखता हूँ अगर टाइम भी बढ़ सकता होगा तो टाइम भी बढ़ा दूंगा. आई विल इंक्रीज योर टाइम ऑल्सो. 2 घंटे की क्लास कर दूंगा. वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड मतलब जो मैक्सिमम लोड कंडीशन है वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया लोड का. जब लाइव लोड भी मैक्सिमम, डेड लोड भी मैक्सिमम, विंड लोड भी मैक्सिमम, अर्थक्वेक लोड भी मैक्सिमम, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है लोड का. तो जब सारे लोड एक साथ आपके लगने लग जाए स्ट्रक्चर के ऊपर वो हमारा वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया लोड का. क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन.